सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी अरब में मैयत को गुसल देते हुए गुसल देने वाले के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वाकये की मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी कि एक ऐसी औरत जो कि गुनाहों की जिंदगी गुजार रही थी, उसका अंजाम क्या हुआ। दोस्तों इस वाकये से इबरत हासिल कीजिएगा और नीचे कमेंट में अस्तगफार लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। दोस्तों इब्राहिम नाम का एक शख्स बताता है कि वो सऊदी अरब के एक शहर का रहने वाला है और उसका पेशा मैयत को गुसल देना है और वो ये काम कई सालों से करता आ रहा है। उसने अब तक कई हजार मुर्दों को गुसल दिया है और अब उसको ये काम लोगों की खिदमत करने जैसा लगता है, जैसे वो पूरी दुनिया में नेक नियति से ये काम कर रहा है। इब्राहिम बताता है कि ये वाकया एक ऐसा वाकया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाकया अक्सर मुझे सोने नहीं देता, मुझे डरा देता है और ये मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है जो हाल मैंने उस औरत की मैयत का देखा था। इब्राहिम बताता है कि वो कब्रिस्तान के साथ ही एक कमरे में रहा करता था और इलाके में जिसकी मौत होती तो मैयत के गुस्ल के लिए उसे ही बुलाया जाता। एक रोज वो अपने कमरे में बैठा हुआ था कि एक लड़का आया और उसे अपने साथ ले गया, मगर जब वो उस घर में पहुंचा तो ना लोगों का हजूम था ना कुछ, और ये देखकर वो हैरान रह गया। घर पहुंचकर उसे एक खातून उस कमरे की तरफ ले गई जहां पर औरत की लाश देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और फिर वो हैरान रह गया कि औरत के गुस्ल के लिए उसे क्यों बुलाया गया है। वो बाहर गया और जाकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को गुस्ल देने के लिए मर्द को मना किया है। यह सुनकर सब लोग कहने लगे कि हम इसके ना महरम है, ये अकेली रहती थी और उसकी लाश के ताफन से मालूम हुआ कि ये मर चुकी है। अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, तुम इसको गुस्ल देकर हमारी मदद करो और फिर उसका जल्द अज जल्द जनाजा पढ़कर दफना दिया जाएगा। इब्राहिम ने पहले इनकार किया और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो ना माने। वो कहने लगे कि ये लाश ताफन जदा है, लिहाजा ये काम तुम्हें ही करना है। तो फिर कुछ सोच बचार के बाद इब्राहिम ने शर्त रखी कि जब मैं गुसल दूं तो कमरे में एक दो खवातीन जरूर मौजूद होनी चाहिए ताकि अगर मैं उन्हें कोई काम करने के लिए कहूं तो वो कर सकें। लिहाजा उन्होंने लाश के कपड़े उतारे तो औरतों की चीखने की आवाजें आने लगी। इब्राहिम ने आगे बढ़कर देखा तो वो भी खौफ के मारे पीछे हट गया। उनमें से एक औरत ने कहा कि इस लाश के जिस्म को देखो, तो रहीम ने कहा कि ये हराम है और मैं नहीं देख सकता। लिहाजा जब उन्होंने इसरार किया तो मेरी नजर उस औरत के पेट पर पड़ी जिसमें से लातादाद चूंटियों जैसे कीड़े बाहर आ रहे थे। वो दोनों खवातीन भी पीछे हट गईं क्योंकि अब वो कीड़े उनके पांव पर चढ़ने लगे थे। उन्होंने कहा कि अब हम मजीद तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, अब तुम्हें अकेले ही गुसल देना पड़ेगा। हिम्मत करके जल्दी जल्दी गुसल शुरू किया, कीड़े मुसलसल उसके पेट से बाहर निकलते जा रहे थे और जब भी उस सराह को बंद करने की कोशिश करता तो वो कीड़े और ज्यादा तादाद में बाहर आने लगे। उसने गुसल मुकम्मल किया और जब जनाजे के बाद लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्र में उतारते हुए भी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। इब्राहिम बताता है कि जब लाश को कब्र में लिटाने के बाद उसका चेहरा किबला रुख करने की कोशिश की गई तो चेहरा फिर गया, मैंने सीधा किया लेकिन वो फिर दूसरी जानब फिर गया। हम बार बार कोशिश करते रहे मगर हम कामयाब ना हो सके। आखिरकार ये फैसला हुआ कि खतून को इसी तरह दफना दिया जाए और हमने मिट्टी डालकर उसे इसी तरह दफना दिया। इब्राहिम बताता है कि जो लड़का मुझे लेने आया था, मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है जो इस खातून की इस कदर बुरी हालत है। वो लड़का बताता है कि मुझे
मुकम्मल तो नहीं मालूम, मगर इतना मालूम है कि ये औरत जानिया थी और इसी वजह से उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी थी, क्योंकि उसके गैर मर्दों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। तलाक के बाद ये औरत यहाँ अकेले रहने लगी और फिर रोजाना गैर मर्द उससे मिलने आया करते थे। दोस्तों, एक जानिया औरत, बदकार औरत और उसके साथ इस दुनिया में ये मामलात पेश आए तो फिर आखिरत में क्या मामलात पेश आएंगे, इस बारे में तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मगर मैं आपको एक बात बताता चलूं, याद रखिए, कब्र में सिर्फ अमल जाएंगे। बुलंदो बाला कोठियां, आलीशान महलात, ऊंचे ऊंचे मकानात, माल दौलत, बैंक बैलेंस, वसी कारोबार, बड़े बड़े प्लाट, लहलहाते खेत और खुशनुमा बागात, ये सब साथ कब्र में नहीं आएंगे। मैयत को जब कब्र में रखा जाता है तो सबसे पहले उसका अमल आकर उसकी बाई रान को हरकत देता है और कहता है, मैं तेरा अमल हूं। वो मुर्दा पूछता है, मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं, मेरी नेमतें, मेरी दौलतें कहाँ हैं? तो अमल कहता है, ये सब तेरे पीछे रह गए और मेरे सवा तेरा कब्र में कोई नहीं आया। रात के अंधेरे में डर जाने वालों, बिल्ली की म्याओं पर चौंक पड़ने वालों, कुत्ते के भौंकने पर रास्ता बदल देने वालों, सांप और बिच्छू का सिर्फ नाम सुनकर थरथराने वालों, सुलगती हुई आग को दूर से देखकर घबराने वालों, बल्कि फकत धुएं से बेचैन हो जाने वालों के लिए लम्हा है, फिक्रिया है। हमें अपने अहमाल को परखना होगा और नेक अहमाल करने होंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अहमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।